दोस्तों आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए भाग में, जिसमें आज हम फिशिंग रोड, प्रेशर प्लेट, क्रॉसबो और कुछ और चीज़ें भी बनाने वाले हैं। सबसे पहले फिशिंग रोड बनाते हैं हम। फिशिंग रोड के लिए हमें स्ट्रिंग चाहिए, जो कि हमें स्पाइडर को मारने से मिल जाएंगे, और ऐसे स्टिक्स रख देना है जिससे हमें फिशिंग रोड मिल जाएगी। ये देखिए फिशिंग रोड मिल चुकी है हमें। और अब प्रेशर प्लेट बना रहे हैं। देखिए ये ऐसी प्रेशर प्लेट बन जाएगी, ये चीज़ों को एक्टिवेट करने के काम में आएगी, जैसे कि डोर खोलने के काम में। अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और डोर खुल जाएंगे, और वापस इसके ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो वापस बंद हो जाएंगे डोर। तो अब ये देखिए इससे लीवर बन जाएगा, लीवर भी चीज़ें एक्टिवेट करने के काम में ही आता है। और प्लैंक्स को एक बॉक्स में रखने से बटन मिल जाएगी, ये भी चीज़ों को एक्टिवेट करने के काम में ही आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए अब एक्टिवेट नहीं होगा, इसके ऊपर लगाना होगा हमें लीवर को डोर के। मैं ऊपर लगा के बताता हूँ आपको। ये देखिए इससे डोर खुल जाएगा, बटन वापस ऑफ हो जाती है, लेकिन लीवर ऑफ नहीं होता, दूसरी बार दबाने पे ही ऑफ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉसबो कैसे बनाते हैं। क्रॉसबो बनाने के लिए हमें ट्रिप वायर हुक चाहिए, जो कि हमें आयरन, स्टिक और एक प्लैंक से मिलेगा। तो मैं आयरन निकाल लेता हूँ, स्टिक और प्लैंक मेरे पास पहले से ही है। सबसे ऊपर आयरन रखे, बीच में स्टिक रखे और सबसे नीचे प्लैंक रखे, इससे हमें ट्रिप वायर हुक मिल जाएगा। क्रॉसबो बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग भी चाहिए। दो स्ट्रिंग्स को रख दे और बीच में, ये देखिए ऐसे दो स्ट्रिंग रख दे और बीच में ट्रिप वायर हुक रख दे, सबसे ऊपर बीच में आयरन और उसके दोनों साइड स्टिक और सबसे नीचे बीच में स्टिक रख दे। ये देखिए हमें क्रॉसबो मिल चुका है, ये भी बो जैसा ही है, इसमें एरो नहीं लगते, इसी में पहले से एरो आते हैं, वही यूज़ होते हैं। देखिए मैं चला रहा हूँ, ये चल गया ऐसे। अब मैं आपको फिशिंग रोड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दो फेंस लगाने से मैं इसके ऊपर से निकल रहा हूँ फेंस के। What the fuck? ये ग्लीच है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इधर से नहीं निकल पा रहा हूँ और उधर से ऊपर से जा रहा हूँ। तो अब मैं फिशिंग करके बताता हूँ फिशिंग रोड से। पानी के पास जाके फिश दबा दे, जिससे पानी में चल जाएगा हमारा हुक। और देखिए ये फिश आ गई, और वापस फिश दबाने से हम फिश ले सकते हैं हमारे पास। देखिए एक और आई, ये एक और आ गई। मैंने तीन फिशेस पकड़ लिए, देखिए तीन मछलियाँ मेरे पास है। इन्हें हम कैट को टेम करने में यूज़ कर सकते हैं और पका के खा भी सकते हैं। अब मैं आपको बोट बनाना सिखाऊंगा, बोट कैसे बनाते हैं। बोर्ड बनाने के लिए हमें सवल चाहिए, सवल बनाने के लिए हमें प्लैंक्स और स्टिक चाहिए।
प्लैंक है और प्लैंक से मैं स्टिक भी बना लूँगा। सबसे पहले स्टिक बना लेते हैं और अब शवल बनाते हैं। देखिए शवल शवल बनाने के बाद इसके नीचे तीन प्लैंक्स रख दें, तीन नहीं पांच लगेंगे, उसके साइड में भी लगेंगे दो। और अब बोट बन जाएगी। अब बोट को हाथ में लेके पानी के पास जाइए। और बोट को हाथ में लेके अब पानी में दबा दीजिए, जिससे हम बोट को रख सकते हैं। अब बोट के पास जाइए और बोल्ड ऑप्शन को दबा दीजिए। यहाँ पर उस पर होल्ड करिए बोर्ड पे। अब दोनों को साथ में दबाइए, दो एरो आ रहे होंगे। दोनों को साथ में दबाने से हम आगे बढ़ सकते हैं और लेफ्ट एरो को दबाने से राइट मुड़ सकते हैं और राइट एरो को दबाने से लेफ्ट मुड़ सकते हैं। मैं दोनों को साथ में दबा रहा हूँ जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम घर चलते हैं, शाम हो रही है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।